Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video we were reading the story of Jack Trehan. बहुत ही careless जो बच्चा है वो, और वो अपनी जो mother है उससे इसलिए जो है नाराज है या hate करता है because he didn't like his her little saving ways. तो उसको बहुत ही अजीब सा लगता है कि जब हम पहले जितने भी बार पिकनिक पर जाते थे और जो meals हैं वो एक होटल से लेते थे, तो अब हम क्यों ना होटल से लें. और इसीलिए पर्पसली जो है पिकनिक बास्केट जिसमें खाने पीने का जितना भी सामान कैरी किया हुआ था वो जैक जो है वो क्लिफ से नीचे गिरा देता है. और इसलिए अब वो जो है एक होटल में बैठे हैं इंजॉइंग द कुकुम्बर सैंडविचेस चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि उसकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि इतना हैवी पे करने के बाद में भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं. तो शी इज़ वेरी मच अपसेट विद ऑल दिस थिंग्स. और इसीलिए जो मिस्टर जैक है वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, जैक को बता देना चाहिए कि हमारा इंटेंशन क्या था पिकनिक बास्केट लाने का और होटल में खाना ना खाने का. जैक जो है ये सारे सेटलमेंट जब सुनता है तो उसको बड़ा ही अजीब लगता है. और अब जो है मिस्टर ट्रेहन जो है वो उसको बताते हैं कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड ऑल द लिटिल सेविंग वेज. आई वॉन्टेड इट टू बी सरप्राइज, मिसेस ट्रेहन सेड, बट सिंस यू हैव लेट द कैट हार्ट आउट ऑफ द बैग यू माइट एज वेल लेट इट आउट फुल्ली. तो मिसेस ट्रेहन कहती हैं कि मैं तो इस सारी चीज़ों को एक सरप्राइज ही रखना चाहती थी, लेकिन अब जब तुमने हाफ कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि आधी बात अगर बोल ही दी है तो अच्छा होगा कि तुम पूरी बात ही इस जैक को जो है बता दो. वेल जैक, हिज फादर सैड, यू नो यू हैव बीन बॉदरिंग मी फॉर अ न्यू फोन. तुम्हें तो पता ही है कि तुम मुझे काफ़ी लंबे टाइम से जो है एक नए फ़ोन के लिए क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो. बट आई टोल्ड यू आई कुड नॉट मैनेज सच अ पीस ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस नाउ. लेकिन मैंने तुम्हें ये बात कही थी कि मैं इन दिनों जो एक्स्ट्रा खर्च हैं उनको क्या कर नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता. शायद उनकी इनकम कम होगी और जो फ़ोन है वो उनके बजट में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए जैक के फादर ने ये बात कही होगी. एंड यू वुड हैव टू वेट अनादर ईयर. और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम्हें एक साल और के लिए रुकना पड़ेगा. माई ओल्ड वन इज़ ऑफ नो मोर यूज़ देन अ टर्निप, जैक ब्रॉक इन. और उसी टाइम पे जैक कहता है लेकिन मेरा पुराना फ़ोन जो है वो बिल्कुल भी मेरे यूज़ का नहीं है. All the more pity that the new one went over the cliff with the lunch, remarked his father. और उसी टाइम पे उसके फादर जो हैं वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो पिटी है, बुरी बात जो है, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात जो है वो ये है कि तुम्हारा जो नया फ़ोन था ना वो जो तुम्हारी पिकनिक बास्केट थी उसी की तरीके से पूरा का पूरा, जैसे लंच नीचे आ गया उसी तरीके से तुम्हारा नया फ़ोन भी नीचे आके गिर गया. What do you mean? asked Jack in bewilderment. Bewilderment का मतलब होता है एक अजीब तरीके से, wildest तरीके से जैक जो है वो अपने फादर को पूछता है कि आपका मतलब क्या है. मिस्टर ट्रेहन लुक्ड एट हिज वाइफ. और इसी टाइम पर मिस्टर ट्रेहन जो है वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं. इट वॉज योर प्लान, यू वुड बेटर एक्सप्लेन इट, ही सेड. और फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये सारा प्लान जो है वो तुम्हारा था और बेटर यही रहेगा कि जैक को एक्सप्लेन करो. यू सी जैक, शी बिगेन. और फिर जो है मिसेस ट्रेहन बताना शुरू करते हैं कि देखो जैक, इट सीम रादर हार्ड यू शुड नॉट हैव अ न्यू फोन व्हेन यू वांटेड सो बैडली. कि ये बात हमें बहुत बुरी लग रही थी कि हम तुम्हें एक नया फ़ोन नहीं दिलवा सकते जबकि तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो आई टोल्ड यू फादर आई वॉज क्वाइट श्योर आई कुड सेव सम मनी इन मैनी लिटिल वेज विदाउट डिनाइंग अस ऑफ एनी रियल कम्फर्ट्स. सो आई टोल्ड योर फादर, इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता से कहा था, आई वॉज क्वाइट श्योर आई कुड सेव मनी इन मैनी लिटिल सेविंग वेज. कि मैं छोटे छोटे तरीक़ों से जो है कुछ पैसा जो है वो बचा लूँगी विदाउट डिनाइंग अस ऑफ एनी रियल कम्फर्ट्स. यानी कि खाने पीने में, रहने में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी, फिर भी मैं कुछ छोटे छोटे तरीके अपना कर जो है पैसे बचा लूँगी. सो आई थॉट आई कुड हैव द बेस्ट पिकनिक मील्स ऑफ दिल्ली
डिलीशियस होममेड गुडीज इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव जंक फूड एंड फैंसी प्लेसेस। तो वो के आगे कहती हैं कि सो आई थॉट, इसीलिए मैंने सोचा, वी कुड हैव द बेस्ट पिकनिक मील्स ऑफ डिलीशियस होममेड गुडीज, कि हम क्या करें, एक्सपेंसिव होटल्स में जंक फूड खाने की बजाय अपने घर से बहुत ही अच्छे अच्छे जो होममेड चीज़ें हैं वो बना के ले जाएं और पिकनिक मील हमारा जो है वो इन्जॉय करें। नाउ जैक, डू यू अप्रूव ऑफ माई लिटिल स्कीम? और फिर एंड में वो जैक से पूछती है कि अब बताओ क्या तुम्हें मेरी स्कीम पसंद आई। जैक वॉज ऑलमोस्ट स्पीचलेस विद शेम एंड कंफ्यूजन, और जैक जो है वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि अपने आप पर उसको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी जो है वो देखने को मिल रही थी। एंड द ट्विंकल इन वॉल्टर्स आई मेड हिम इवन मोर रिग्रेटफुल, और वॉल्टर की आंखों में जब उसने देखा तो उसको अपने काम पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसने ये क्या किया। आई थिंक यू आर ऑफुली गुड, ही स्टैमर्ड, और फिर वो कहता है कि हाँ आपका तरीका जो है वो ऑफुली बहुत ही अच्छा था, बट आई डोंट डिज़र्व दैट फ़ोन, लेकिन मैं जो हूँ एक नया फ़ोन बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। आई शैल नॉट हैव इट नाउ, और अब मुझे वो मिलेगा भी नहीं। आई वॉज सच अ सिली डंकी टू थ्रो द बास्केट ओवर द क्लिफ, मैं इतना बड़ा गधा हूँ, बेवकूफ़ हूँ कि मैंने जो बास्केट है वो क्लिफ से नीचे गिरा दी। जैक्स फादर लुक शॉक्ड एट हिज कन्फेशन, जैक के फादर जो हैं वो इस कन्फेशन से एकदम शॉक रह जाते हैं। एंड वॉज अबाउट टू स्कॉल्ड हिम व्हेन हिज मदर टैक्टफुली सेड, और उसको बच्चे को डांटने ही वाले होते हैं, क्यों, क्योंकि जैक ने क्या कहा था कि वो क्या करेगा, उसने पर्पसली जो है वो क्लिफ से बास्केट नीचे गिराई थी ये एडमिट कर लिया था। ओ यस यू विल जैक, थोशी did look a little astonished at the confession that it was a deliberate act instead of an accident. अब जो है जैक की मदर ने ये बात कन्फेस करवा ली कि जैक जो है उसने क्या किया था, deliberately जो है purposely उसने बास्केट नीचे गिराई थी। तो किस तरीके से उसका नज़रिया जो है उसके मदर फादर का बदलता है, और किस तरीके से जैक जो है वो उनको embarrassed फील करता है और शेमफुल महसूस करता है,